हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं शुभम और आज मैं आपको कैनन ईओएस 1500D की कुछ मैन्युअली फोटोग्राफी टिप्स देने वाला हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस मैंने यहां पे 55-250 mm की लेंस अटैच की है जो कि आउटडोर फोटोग्राफी के लिए बेस्ट होती है। तो चलिए गाइस फर्स्ट कैमरा कर लेते हैं ऑन। ये रहा, मैंने कैमरा ऑन कर लिया और मैंने यहाँ पे कैमरा मैनुअल मोड पे सेट कर लिया है, आप खुद देख सकते हो। तो चलिए गाइस ये रहा, कैमरा ऑन हो चुका है। गाइस DSLR फोटोग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ISO, एपर्चर और शटर स्पीड। तो आज हम इन तीनों के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। तो गाइस मैनुअल मोड पे सेट करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का मेनू आएगा और मैं यहाँ पे जैसे ये क्यू बटन दबा देता हूँ तो मैं मेनू में एंटर कर लूँगा। तो सबसे पहले आता है शटर स्पीड जो कि ये रही, उसके बाद आता है एपर्चर और उसके बाद ISO। तो ये तीनों मेनू पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी फोटोग्राफी। तो ये कुछ स्क्रीन की डिटेल्स हो गई दोस्तों। तो चलिए गाइस मैं आपको प्रैक्टिकली फ़ोटो क्लिक करके बताता हूँ। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट गाइस, मैं इस पे उस सब्जेक्ट के ऊपर पूरी तरह से जूम कर लेता हूँ। तो ये क्यूब हमारा सब्जेक्ट है। तो गाइस मैं इस पे अब पहले फर्स्ट ऑटो फोकस करता हूँ। तो ये ऑटो फोकस कर लिया है मैंने। और गाइज अब सबसे पहले हमें क्यू बटन दबाना है कि क्यू बटन दबाने के बाद साइड से ये मेनू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम ISO सेट कर लेते हैं और याद रखिए आउटडोर के लिए हमेशा 100 ISO सेट किया जाता है। और अगर आप इससे ज़्यादा ISO सेट करते हो या फिर 1600 सेट करते हो या फिर उससे ज़्यादा तो आपके फ़ोटो में ज़्यादातर नॉइस आ जाएगी। तो आउटडोर के लिए जहाँ डे लाइट मतलब लाइट ज़्यादा है वहाँ पे ISO 100 ही रखा जाता है। तो मैं यहाँ 100 सेट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं क्यू दबा दूंगा, उसके बाद ये मेनू पूरा हाइड हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे गाइस शटर स्पीड। शटर स्पीड के लिए ये बटन का यूज़ होता है, इस बटन का। इसे आगे पीछे करने के बाद शटर स्पीड कम और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ से आपको शटर स्पीड कम करके बताता हूँ और ज़्यादा भी। तो ये रही, ये कोने में आपको शटर स्पीड दिखाई देगी जो कम ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों शटर स्पीड अगर आप ज़्यादा रखते हो तो यहाँ पे आपको लाइट कम देखने को मिलेगी गाइस। जबकि मैं यहाँ पे दिन में फोटो शूट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे शटर स्पीड 800 सेट कर लूँगा। इसके बाद आता है एपर्चर गाइस। एपर्चर का काम होता है सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करना। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। एपर्चर कम ज़्यादा करने के लिए ये जो डिलीट का बटन है इसे प्रेस करके अगर हम शटर स्पीड का बटन दोनों एक साथ में प्रेस करते हैं और कम ज़्यादा करते हैं तो इससे एपर्चर कम ज़्यादा होगा। तो गाइज यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये दोनों बटन हमें एक साथ प्रेस करना है, ये डिलीट का बटन और शटर स्पीड जो कि कम ज़्यादा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एपर्चर कम ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे लाइट कंडीशंस भी चेंज होंगी। तो गाइज ये देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ एपर्चर तो लाइट भी लो हो रही है। तो हमें उस हिसाब से सेट करना है दोस्तों, लाइट जहाँ हमें परफेक्ट मिलेगी वहाँ पे हमें एपर्चर सेट कर देना है। लेकिन याद रहे पीछे का बैकग्राउंड भी इस पर डिपेंड करता है गाइज। मैं एक पिक आपको ज़्यादा एपर्चर में क्लिक करके बताऊँगा और एक पिक पूरी तरह से कम एपर्चर में क्लिक करके बताऊँगा। उसके बाद आप दोनों फोटोज़ में डिफरेंस देख सकते हो कि पीछे का बैकग्राउंड ब्लर जिसमें मैंने ज़्यादा एपर्चर किया है उसमें कम हुआ है और जिसमें मैंने लो एपर्चर रखा है उस पर बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो आप दोनों डिफरेंस देख सकते हो गाइज। मैं आपको सबसे पहले सबसे कम एपर्चर पर पिक क्लिक करके बताऊँगा कि सब्जेक्ट का पीछे का बैकग्राउंड कितना ज़्यादा ब्लर होता है। तो मैं यहाँ पे 5.6 एपर्चर सेट कर लेता हूँ और अब पिक करता हूँ क्लिक। ये रही दोस्तों, और अब नेक्स्ट पिक मैं क्लिक करूँगा सबसे ज़्यादा एपर्चर में। तो ये सबसे ज़्यादा मैं जैसे एपर्चर बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो लाइट भी लो होते जाती है। तो इसके लिए मुझे ISO सेट करना होगा, मुझे ISO 800 सेट करना होगा। तो मैं इसमें आपको पिक क्लिक करके बता देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये जो पिक क्लिक की है मैंने ये सबसे ज़्यादा एपर्चर के साथ क्लिक की है। तो आप बैकग्राउंड ब्लर देख सकते हो जो कि ना के बराबर है। और इसके बाद जो पिक क्लिक की है मैंने ये सबसे लो एपर्चर के साथ सेट की है। तो आप इसमें बैकग्राउंड ब्लर्स पूरी तरह से देख सकते हो। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा एपर्चर और ये सबसे लो एपर्चर।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा है ISO, एपर्चर और शटर स्पीड। तो गाइज ऐसे ही आपको DSLR से लेकर कुछ वीडियोस चाहिए तो मैं आगे भी बहुत सी वीडियोस बनाने वाला हूँ और सैंपल वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आपको किस कैमरा के लिए वीडियो चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दे दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।